आप समूह को मेरा नमस्कार। मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूँ सब कुछ पढ़ो चैनल पर। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था हमारा चैप्टर क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो मैंने पहले इसका परिचय आपको भूमिका समझाई थी कि किस तरीके से भूमंडलीकृत विश्व बना था। अब हमारा अगला पॉइंट है भोजन की यात्रा, स्पेघेती और आलू। तो हमें क्या देखना है, पहले भोजन की यात्रा, भोजन वही जो हम और आप खाते हैं, और आज से नहीं, ये तो जब से मानव ने जन्म लिया है तब से उसने भोजन किया ही है। तो हमें ये देखना है कि भोजन की यात्रा कैसे है और ये स्पेघेती और आलू क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल से पहले हमें विश्व के उन युगों को भी देखना है जिसमें हमने अर्थव्यवस्था को एक किया था ताकि हम आगे बढ़ पाएं। तो याद रखेंगे कि दूर दूर जो देश थे, कहने के वो भौगोलिक रूप से दूर दूर थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता ही रहता था क्योंकि लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, व्यापार व्यवसाय लगा रहता था। उसी तरह क्या हुआ कि दूर दूर देशों के बीच खाद्य पदार्थों का भी, खाद्य पदार्थ का मतलब है भोजन वाली पदार्थ है जिन्हें हम खाते हैं, तो दूर दूर देशों के बीच खाद्य पदार्थों का भी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता था। क्योंकि क्या होता था कि जो व्यापारी और मुसाफिर होते थे, अगर वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वो खाने पीने के सामान भी ले जाते थे और उनके बीज भी ले जाते थे। तो क्या करते थे ये कि ये बीज जिस क्षेत्र में जाते थे उस देश में उस जमीन पर इस बीज को बो देते थे। तो कहीं ना कहीं इससे इस जगह की का जो भोजन है उसका बीज उधर चला गया तो उन्हें भी उस तरह की चीज़ें मिल गई, उसका भोजन मिल गया। तो हमने देखा कि इस तरीके से खाद्य पदार्थों का वितरण हुआ। इसका मतलब है यह भी संभव है कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें हैं, भोजन की चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि उनका स्रोत साझा हो। साझा का मतलब है उनका स्रोत एक ही जगह हो, वहाँ से ही निकले हों और पूरे विश्व में भी लोगों के आने जाने से सांस्कृतिक आदान प्रदान से वो क्या हुआ हो, बटे हुए हों। तो उसी तरह हमें समझना है, इसमें दो एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया है स्पेघेती और आलू, तो हमें इसको समझना है कि स्पेघेती और आलू की क्या बात है। तो चलिए सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं तो हम उसे देखते हैं स्पेघेती को, स्पेघेती को एवं नूडल्स को। नूडल्स तो आप सभी बच्चे समझते ही होंगे, जो मैगी का नूडल्स आज हम खाते हैं तो उस नूडल्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नूडल्स जो है वो क्या है, चीन का भोजन है, चीन के लोग ज़्यादातर इसे पसंद करते हैं और वही खाते हैं। तो नूडल्स जो है वो चीन से पश्चिम देशों में चला गया, जैसे मैंने कहा था कि सिल्क मार्ग से चीन के लोग जो हैं पश्चिम के तरफ भी जाकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो नूडल्स था वो चीन से पश्चिम देशों की ओर पहुंचा, तो वहाँ के लोगों को नूडल्स का ज्ञान हुआ और नूडल्स से ही किसका जन्म हुआ, स्पेघेती का। इसका मतलब है कि नूडल ने किसको जन्म दिया, स्पेघेती का, और पश्चिम के लोगों को भोजन में क्या मिला, स्पेघेती मिला। इसका मतलब है कि एक जगह का भोजन दूसरे जगह चला गया। जैसे एक और भोजन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, पास्ता। तो ये जो पास्ता है ये अरबियों के द्वारा, जो अरबी लोग थे, अरबी लोगों के द्वारा इटली का एक द्वीप है, आप जिसे कहते हैं सिसली, क्या नाम है, सिसली। तो इटली के द्वीप सिसली पहुंचा। तो हमने ये देखा कि पास्ता नाम का जो भोजन है वो अरबी लोगों के द्वारा इटली के एक द्वीप सिसली पहुंच गया, और इटली कहाँ था, पश्चिम में, यूरोप में था। तो हमने देखा कि अरबियन यात्री ने एक और फूड कल्चर, एक और भोज्य पदार्थ जिसे हम पास्ता कहते हैं, वो यूरोप के एक देश इटली के एक द्वीप पर पहुंचा दिया। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से आहार हैं जो भारत और जापान में भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भारत और जापान में भी ऐसे आहार हैं तो इनका भी क्या हो गया होगा, जरूर वितरण हुआ होगा या वो चीज़ें यहीं से आई होंगी। अच्छा, फिर हमें ये समझना है कि आधुनिक काल से पहले, जैसा मैंने आपको बताया था ये सारी घटनाएं आधुनिक काल से पहले से शुरुआत हो चुकी हैं, लेकिन 50 वर्षों से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। तो आधुनिक काल से पहले भी सांस्कृतिक लेन देन चलता रहता था।
तो ये जो सांस्कृतिक लेन देन चलता रहता था, इसी से भोज्य पदार्थों का भी वितरण शुरू हो गया। अच्छा, जैसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं जैसे हमारे दैनिक जीवन में, जिसे हम अपने देश में भी खाते हैं, जैसे आलू है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर जैसी चीज़ें आज से 500 साल पुरानी ही बात करते हैं, ज़्यादा पहले भी नहीं जाते। तो आज से 500 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों को इसका ज्ञान नहीं था, यानी आलू, टमाटर, मूंगफली जैसी चीज़ों का ज्ञान हमारे पूर्वजों को 500 साल पहले ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पदार्थ जरूर कहीं ना कहीं बाहर से आए होंगे। तो एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की ओर यात्रा की थी। क्या किया था इसने? पश्चिम की ओर यात्रा किया था। और इसने जब पश्चिम की ओर यात्रा किया था तो इसने गलती से एक भूमि की खोज की, गलती से भूमि की खोज की, और इसी भूमि को क्या कहा गया? अमेरिका। आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक यात्री ने गलती से एक भूमि की खोज की और उसी भूमि का क्या नाम रखा गया? अमेरिका। तो अमेरिका बेटा, आप भी आज भी सुनते हैं अमेरिका को, तो सभी लोग याद रखेंगे कि इस अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो कैरेबियन सागर के जितने द्वीप हैं उन सबको मिला करके ही एक शब्द कहा गया है अमेरिका। तो हमने देखा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से पश्चिम के तरफ यात्रा की और अटलांटिक महासागर को जब वो पार कर गया तो उसने एक अज्ञात भूमि, एक बहुत बड़ी भूमि की खोज कर दी और इसी भूमि का नाम क्या पड़ गया? अमेरिका। तो ये जो भोज्य पदार्थ, जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम लिया था, जैसे मैंने क्या आपसे कहा था, मैंने अभी कहा था आपको आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर जैसी चीज़ें जो हैं वो यहीं से आई हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका से ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ मिले और वो पूरे भारत में फैले। पर ये भोज्य पदार्थ को कौन उपजाते थे? तो वो उपजाते थे यहाँ के मूल लोग, और इन मूल लोगों को ही कहा गया था अमेरिकन इंडियन। इन्हें क्या कहा गया था मूल लोगों को? अमेरिकन इंडियन। तो ये मूल लोग जो हैं आलू, टमाटर, मक्का, मूंगफली जैसी चीज़ों को उपजाते थे, वहीं से ये चीज़ें सांस्कृतिक लेन देन से हमारे देश में पहुंची और आज हमारे भोज्य पदार्थ में, हमारे भोजन में इन चीज़ों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या ऐसे कहा जाए कि हर एक घर में रोज़ लगभग ऐसी चीज़ें बनती ही रहती हैं। अच्छा, फिर इस तरह सोचना है कि क्या हुआ कि जैसे बड़ी ज़मीन खोजी गई, उसका क्या नाम था? अमेरिका। तो अमेरिका में बेहिसाब ज़मीन थी, बेहिसाब फसल थे और बेहिसाब खनिज भी थे। तो हमने देखा कि अमेरिका में बेहिसाब खनिज है, फसल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों को अभी नहीं भी देखते हैं तो हमने देखा कि यहाँ के मूल निवासी ऐसे फसलों का उत्पादन करते हैं। तो ये जो नई फसल हमारे पास आई तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क हुआ। ऐसे कहा जाए कि इन भोज्य पदार्थों का विश्व के अलग अलग जगह में जाने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आया, यानी भोजन में कहा गया कि जमीन आसमान का फर्क आया, इसका मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर अंतर आ गया था। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि आलू जब यूरोप पहुँचा तो यूरोप के लोगों का मुख्य भोजन बन गया था आलू। इसका मतलब है कि यूरोप के लोग आलू पर निर्भर हो चुके थे। यूरोप के लोग क्या हो गए थे? आलू पर निर्भर हो गए थे, के लोग आलू पर निर्भर हो गए थे। और क्या हुआ कि बिना आलू के उनका भोजन ही नहीं चलता था। लेकिन यूरोप में एक देश था, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि इतने निर्भर थे कि उनका फूड कल्चर, भोजन की जो संस्कृति वो आलू पर हो गई। इनका वजन बढ़ने लगा, इनका सेहत भी अच्छा होने लगा और यहाँ तक कि इनकी उम्र भी बढ़ने लगी, यानी आलू खाने से कहीं ना कहीं इन्हें सेहत भी मिली थी। लेकिन यूरोप में ही एक देश था आयरलैंड, वहाँ क्या हुआ 1840 में आलू की फसल खराब हो गई थी। सभी बच्चे याद रखेंगे कि 1840 में आलू की फसल
खराब हो गई थी, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। तो आप समझ सकते हैं कि आलू यूरोप के भोजन में कितना महत्वपूर्ण था कि 1840 में आयरलैंड में, 1840 में आयरलैंड में आलू की फसल खराब होने के कारण लाखों लोग भूखमरी से मरे। इस बात को याद रखेंगे, लाखों लोग किससे मर गए, भूखमरी से मरे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरोप में आलू का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से भोजन की यात्रा हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ भोजन के पदार्थों का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। अब हमें इसी को से अगले पॉइंट को समझना है। सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा अगला पॉइंट इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ेगा, लेकिन वो भोजन से फिर आगे की ओर की यात्रा होगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई देश दूसरे तरफ देश में अगर जाता है, अगर उससे फ़ायदा पहुंचे, तो क्या वो उस देश को जीतना नहीं चाहेगा, क्या वो उस ज़मीन पर कब्जा करना नहीं चाहेगा। तो हमें इसी चीज़ को समझना है। तो हमारा अगला पॉइंट है विजय बीमारी, विजय बीमारी और व्यापार, और व्यापार। विजय से समझ सही सकते हैं जीतना, बीमारी जो लोगों को खत्म ही कर दे, और व्यापार मतलब रुपए पैसे की बात हो, उनके आय की बात हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 16वीं सदी में यूरोपीय जो जहाजी लोग थे वो एशिया और अमेरिका की खोज कर गए। मतलब मैंने आप ये समझिए कि 16वीं सदी में यूरोप के जो जो भी जहाजी लोग थे उन्होंने एशिया तक के रास्ते की खोज की या एशिया तक पहुंच गए, और फिर पश्चिम में यात्रा करके वो अमेरिका तक पहुंच गए। तो एशिया और अमेरिका का तक पहुंच जाने से पूरा विश्व परिदृश्य ऐसा हुआ कि विश्व क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि इन जहाजियों ने एशिया और अमेरिका तक की खोज कर ली थी, उनके ज़मीनों की खोज कर ली थी, और पूरा विश्व क्या दिखने लगा, छोटा दिखने लगा। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जो हिंद महासागर था वही व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमें इस बात को याद रखना है कि 16वीं सदी की अगर हम 16वीं सदी की अगर हम बात करें तो पहले हिंद जो महासागर है, हिंद महासागर व्यापार का एक प्रमुख रास्ता था। आप ऐसे समझे, व्यापार का क्या था, एक प्रमुख रास्ता था। यहीं से लोगों की आवाजाही थी, बड़े बड़े जहाज चलते थे, और पूरे एशिया के क्षेत्र में इससे क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन भारत की एक अहम भूमिका थी। हमें इस बात को याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की अहम भूमिका थी, भारतीय उपमहाद्वीप की अहम भूमिका थी। तो हमने देखा कि 16वीं सदी से के में जब तक यूरोप के लोग जहाज से एशिया और अमेरिका की बात कर रहे थे, उससे पहले जब व्यापारी गतिविधि शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो हिंद महासागर था वो व्यापार का क्या था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इनकी धाराओं में ही जहाज चलते थे और हर तरह से व्यापार होता था। लेकिन दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति है। तो हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप का इस व्यापारिक रास्ते में एक अहम भूमिका थी। क्या थी, एक अहम भूमिका थी। अच्छा, अब लेकिन यूरोपीय लोगों के आने जाने से जब इस व्यापार में कौन लोग पहुंच गए, यूरोपीय लोग, ठीक है, यूरोपीय लोगों के आने से आवाजाही और बढ़ी, हमें इस बात को ध्यान देना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 16वीं सदी में यूरोपीय लोग भी एशिया की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से
आ गए थे। तो कहीं ना कहीं रास्ते में हिंद महासागर ही था। तो जब वो हिंद महासागर को पार करने लगे तो हिंद महासागर पहले से व्यस्त था, पर इनके आने से हिंद महासागर की व्यस्तता या यूं कहिए कि व्यापारी गतिविधियां या लोगों की आवाजाही भी तेजी से बढ़ी। अच्छा, और इधर बढ़ी। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की खोज से, मैंने अभी आपको बताया था कि जब अमेरिका की खोज हो गई तो एक तो वहाँ क्या थी, विशाल भूमि, फसल और खनिज संसाधन थे। इस बात को सभी लोगों को याद रखना है कि अमेरिका की खोज के बाद ये देखा गया कि अमेरिका की खोज के बात देखा गया कि पहला, यहां तो विशाल भूमि है, दूसरा फसल है और तीसरा खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन है तो कहीं ना कहीं इन चीजों के कारण व्यापारिक गतिविधियां यहाँ भी तेज होने लगी। तो विशाल भूमि और फसल और खनिज मिलने के कारण, लोगों का मिलने के कारण क्या हुआ, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का जो रूप रंग है वो तेजी से बदलने लगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी संसाधन मिलने लगे। अमेरिका विशाल भूमि है, फसल है, तरह तरह के खनिज हैं, तो विश्व के अलग अलग देशों के रूप रंग में भी क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। साथ ही साथ पेरू और मैक्सिको, जो दक्षिण अमेरिका में पेरू है और मैक्सिको, यहाँ पर विशाल धातु की खनिज के संसाधन थे। तो ये जो धातु के खनिज के संसाधन थे, ये जो खान जो है, इससे क्या हुआ, यूरोप की संपत्ति बढ़ने लगी। हमें इस बात को याद रखना है कि पेरू एवं मैक्सिको की धातु से यूरोप की संपदा बढ़ी, यूरोप की संपदा बढ़ी। तो क्या हुआ कि पेरू और मैक्सिको में भी खनिज थे, जिसमें मुख्य खनिज क्या था, चांदी। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी खान से जब यूरोप के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और ज़मीन की खोज की, उन्होंने इसके पूरे खनिज को यूरोप में लेकर आ गए और यूरोप की संपत्ति अपने आप क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और संपदा तो बढ़ी और उसके साथ ही क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग पश्चिम एशिया में व्यापार करते थे, उस व्यापारी गतिविधि में भी क्या आ गई, तेजी आ गई। यानी यूरोप की संपत्ति बढ़ने से अब पश्चिम एशिया में व्यापार करना और भी तेज हो गया और व्यापारी गतिविधियां बढ़ने लगे, सांस्कृतिक लेन देन भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अच्छा, और इससे क्या हुआ, फिर दक्षिण अमेरिका के विशाल खनिज संसाधन लोग बहुत ही प्रभावित हुए। हमें इस बात को याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका के विशाल खनिज संसाधन थे, दक्षिण अमेरिका में विशाल खनिज संसाधन थे, विशाल खनिज संसाधन थे। इस पर लोगों ने कई कहानियां भी कही, और उन्होंने एल डोराडो एक शहर था, इसे सोने का शहर कहने लगे। क्या कहने लगे, सोने का शहर। इसका मतलब है कि वाकई दक्षिण अमेरिका में इतने खनिज संसाधन थे कि दक्षिण अमेरिका यूरोप के लोगों के कहानियों में आने लगे। और कहानियों में लोग ये भी कहने लगे कि जो एल डोराडो शहर है ये सोने का शहर है। और सोने की खोज के लिए या एल डोराडो शहर की खोज के लिए न जाने कितने खोजी अभियान भी हुए, बहुत ही खोजी अभियान भी होने लगे। अच्छा, फिर हमें यह समझना है कि अब जमीन पर कब्जा करने की बात हो रही थी। तो 16वीं शताब्दी में दो यूरोपीय देश, एक पुर्तगाली और दूसरा स्पेनिश, पुर्तगाली और स्पेनिश लोग तुरंत पहुंच गए अमेरिका में और अपने विजय अभियान के लिए। क्लियर है? तो हमें इस बात को याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल ने अपना विजय अभियान शुरू किया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल एवं
स्पेन ने अपने विजयी अभियान शुरू किए। तो हमें इस बात को याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने अपने विजय अभियान शुरू किए और ये किस ओर आए, अमेरिका की ओर। किधर आए, अमेरिका की ओर, और ये चाहते थे कि अमेरिका को अपना उपनिवेश बना ले। उपनिवेश का मतलब है क्या बना ले, अपना गुलाम बना ले। लेकिन जब ये इन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश और अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि सिर्फ सैन्य ताकत पर इन्होंने अमेरिका के जमीन को अपना गुलाम नहीं बनाया ना उस पर कब्जा किया, क्योंकि सैनिक ताकत ही एकमात्र ताकत नहीं थी। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो इनका जो कोई शक्तिशाली हथियार हो, सबसे शक्तिशाली हथियार, वो भी इनका परंपरागत हथियार था ही नहीं। तो ना तो इन्होंने सैनिक ताकत के बल पे जीता और ना ही इन्होंने कोई व्यापारी ये ना तो इन्होंने किसी परंपरागत हथियार से जीता। तो आखिर ऐसा क्या था जिससे इन्होंने इसको जीता? तो हम एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि इन्होंने अपने साथ एक बीमारी लेकर ये आते थे और उस बीमारी का नाम था चेचक। तो ये चेचक के कीटाणु लेकर आए, चेचक के क्या लेकर आए, ये कीटाणु लेकर के यहाँ पर आए। हमें एक बात याद रखना है कि अमेरिका लाखों वर्षों तक अज्ञात रहा था, तो अमेरिका के लोग जो भी वहाँ के मूल निवासी थे, पहले उन्हें चेचक की जानकारी नहीं थी। क्लियर है? तो जब अमेरिका अज्ञात रहा था तो उन्हें चेचक बीमारी की जानकारी कैसे होगी? अच्छा, और न ही यहाँ के मूल निवासियों के शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता थी जिससे वो चेचक को क्या करें, रोक सकें। तो ये स्पेनिश और पुर्तगाली ने क्या किया, यहाँ पर लाकर इन लोगों ने चेचक को फैला दिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर चेचक की बीमारी फैला दी तो इसमें लाखों लोग अपने आप साफ हो जाते थे। तो इन्होंने पूरे महाद्वीप पर चेचक की बीमारी को फैला दी। अच्छा, जो क्षेत्र में ये गए वहाँ तो इन्होंने बीमारी फैला दी, लेकिन जिस क्षेत्र में नहीं गए वहाँ भी ये बीमारी लोगों के कारण फैलने लगी। अच्छा, अब अमेरिका के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास ना तो इसकी दवाई थी और ना प्रतिरोधक क्षमता थी, इसलिए लाखों लोग मरने लगे और पूरे जमीन पर यूरोपीय लोगों ने अपना अधिकार करना शुरू किया। रही बात यूरोपीय लोगों की, तो यूरोपीय लोग इस बीमारी से परिचित थे, उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता थी जो इस बीमारी से वो बच सके। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चेचक के कीटाणु की भी लेन देन से इन्होंने क्या किया कि पूरे जमीन पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया और निवेश बनाना इन्होंने क्या किया, शुरू किया। हमें एक बात याद रखना है कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि 19वीं सदी तक, यहां तो मैं 16वीं सदी की बात कर रहा था, तो 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी एवं भूख का साम्राज्य था। इसका मतलब है कि यूरोप मूल रूप से गरीब था, भिखारियों की जगह होगी, क्योंकि साफ लिखा गया है कि यहाँ गरीबी और भूख का साम्राज्य था। साथ ही साथ क्या हुआ कि एक तो गरीबी और भूख का साम्राज्य था, शहरों में बहुत ही भीड़ थी, मतलब जनसंख्या बढ़ी थी तो शहरों में बहुत ही भीड़ थी, बीमारियाँ बहुत भी थी। अच्छा, ऐसे बहुत लोग थे जो धार्मिक रूप से असंतुष्ट थे। धार्मिक रूप से क्या थे, असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब है कि जो परंपराएं थी, जो विचार था, वो उसको नहीं मानते थे। तो शहरों में बड़े पैमाने पर भीड़ थी, लोगों में बीमारियां थी, धार्मिक रूप से असंतुष्ट लोग थे, और सरकार अगर ऐसे लोगों को पकड़ती थी जो धार्मिक असंतुष्ट हो या सरकार के खिलाफ हो, उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था। तब यूरोप के लोगों ने कहा कि कैसे इन चीज़ों से बचे, तो यूरोप के लोग हजारों संख्या में वहां से भागकर कहां आ गए, अमेरिका आ गए। तो याद रखेंगे कि यूरोपीय लोग भागकर अमेरिका आ गए।
ताकि वो यहाँ शांति से जी पाए, उत्पीड़न से बच पाए। लेकिन यहाँ तो औपनिवेशिक शासन आ ही चुका था, तो हमने ये देखा कि भाग कर लोग यहाँ पर कहाँ आ गए, यूरोप आ गए, अच्छा सॉरी अमेरिका आ गए। इसी बीच क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग हैं वो अफ्रीकी देशों से गुलामों को पकड़ कर लाते थे। हमें इस बात को याद रखना है कि अफ्रीका से गुलाम लाकर, यानी अफ्रीका के लोगों को क्या बनाया, गुलाम। तो अफ्रीका से गुलाम लाकर अमेरिका में खेती करवाया। तो यूरोपीय लोगों ने क्या किया, अफ्रीका से गुलाम लाकर अमेरिका में खेती करवाया और उनसे कपास एवं चीनी की खेती करवाई, कपास एवं चीनी की खेती करवाई, और इनको वो कहाँ लेकर आते थे, यूरोप में। तो हमें इस बात को याद रखना है कि इन्होंने क्या किया कि कपास और चीनी की खेती करवाई और इसको लेकर ये कहाँ आ जाते थे, यूरोप में। अच्छा इधर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईसा पूर्व पहले ही सिल्क मार्ग, रेशम, जो रेशम मार्ग था उसका निर्माण हो चुका था, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद उसका अस्तित्व क्या हो गया था, खत्म हुआ था। कारण ये हुआ कि चीन ने 15वीं शताब्दी में अन्य देशों से अपना व्यापार व्यवसाय कम कर लिया। तो हमने ये देखा कि चीन ने 15वीं शताब्दी में अन्य देशों से जब अपना व्यापार व्यवसाय कम कर लिया, यानी अपना संपर्क क्या कर लिया, कम कर लिया। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो चीन और भारत बहुत ही धनी देशों में आते थे और ये व्यापारिक रूप से क्या थे, संपन्न थे। इस बात को याद रखिएगा कि चीन और भारत दोनों धनी अमीर देश में आते थे और व्यापारिक रूप से संपन्न थे। लेकिन जब चीन ने अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को सीमित कर लिया, कम कर लिया, और इधर क्या हुआ कि अमेरिका की खोज तो हो ही चुकी थी, तो अमेरिका की खोज होने के कारण अमेरिका का महत्व अपने आप क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो जब उधर चीन ने संपर्क खत्म किया और अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि एशिया से व्यापारिक केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगे। हमें इस बात को याद रखना है कि एशिया से जो व्यापारिक केंद्र हैं वो किधर खिसकने लगे, पश्चिम की तरफ खिसकने लगे। और पश्चिम की तरफ खिसकने लगे तो पश्चिम में कौन था, यूरोप था। तो हमने ये देखा कि चाइना और भारत जैसे, चीन और भारत जैसे ही महत्व अपना कम करते हैं, तो हमने देखा कि व्यापारिक जो केंद्र है, व्यापारिक केंद्र पश्चिम की तरफ, हमें इस बात को याद रखना है कि पश्चिम की तरफ आने लगा, क्योंकि अमेरिका की क्या हुई थी, खोज हुई थी, और पश्चिम की तरफ कौन था, यूरोप था। इसका मतलब है कि अब यूरोप ही विश्व का महत्वपूर्ण, हमें इस बात को याद रखना है कि यूरोप ही विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हो गया, विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चीन ने अपने आप को अलग किया और अमेरिका की खोज हुई, विशाल भूमि, संपदा, खनिज पदार्थ मिलने लगे, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी, और इस तरीके से क्या हुआ कि एशिया से व्यापारिक केंद्र पश्चिम की ओर खिसकते खिसकते यूरोप में चला गया, और अब यूरोप जो है वही क्या बन गया, विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए हमने इन चीज़ों को सीखा, तो सभी बच्चे सब कुछ पढ़ो, चैनल पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, अच्छे से आप पढ़ेंगे। और हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके और जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें सही तरीके से पढ़ाई जा सके। पूरी बात समझ में आ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ पढ़ो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।